भारत में कोरोना इंसानों में तो तेजी से फैल ही रहा है, इंसान परेशान तो है ही, ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों तक के चक्कर तो लगाए जा ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच खतरे की घंटी एक और बजी है, वो ये कि कोरोना इंसानों के साथ साथ अब भारत में जानवरों को भी बीमार कर रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो इन्हें क्वारंटीन भी किया गया। दरअसल शेरों के देखभाल के दौरान ये सारी चीजें सामने आई। पशु चिकित्सकों ने 8 जानवरों में कोरोना के लक्षण पाए, शेरों में भूख न लगना, नाक से पानी आना और कफ जैसी शिकायत मिली। कुछ दिन के बाद RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव पाए जाने वालों में 4 नर और 4 मादा शेर हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो शेर पॉजिटिव पाए गए हैं वो रिकवर भी कर रहे हैं और खाना अब अच्छे से खा रहे हैं, और साथ ही चिड़ियाघर को इनके रखरखाव को लेकर SOP भी जारी किए गए हैं। इस जू की बात करें तो यहाँ पर 12 शेर हैं जिनकी उम्र करीब 10 साल है। जू की सफारी एरिया का क्षेत्रफल करीब 40 एकड़ है। आशंका यही है कि शेरों में कोरोना इंसानों के जरिए तेजी से फैला है। हालांकि ये पहली दफा भी नहीं है जब किसी पशु में कोरोना वायरस मिला हो। साल 2020 में न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में 8 बाघ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले हांगकांग और डेनमार्क में कुत्तों और बिल्लियों में भी कोरोना वायरस मिला था। लेकिन भारत में ऐसा पहली दफा हुआ है जब शेरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया हो। शुक्र की बात तो बस यही है कि सभी शेर अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।